हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल प्रीत सब्जी टेक। बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम है कि वो फेस नहीं कर पाते कैमरे को और वो बोलना नहीं चाहते कैमरे के आगे, उनसे बोला नहीं जाता कैमरे के आगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपने कैमरे के सामने बोलना है, कैसे आपने बोलना सीखना है। इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे दोस्त हैं इस वजह के कारण अपना चैनल शुरू नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं, अपनी सोच को चेंज ही कर लेते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कैमरे के सामने बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरी पुरानी वीडियो देखें, तो सबसे पहले देखो कितनी बार मैं अटकता था पुरानी वीडियो में और कैसे बोलता था और आज आप सभी के सामने कैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, आप इस वजह से यूट्यूब पर काम करना मत छोड़े कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें, सबसे पहले एक रूम में जाएं, वहां आपका मोबाइल ऑन करें, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करने के बाद आप ट्राई कीजिए बोलने के लिए, खुद से ही बातें कीजिए, हेलो नमस्कार मैं आदाब सत श्री अकाल, ऐसे बोलते रहें 10 बार ट्राई कीजिए। जब आप 10 बार ट्राई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे में कमी कौन सी है। देखिए आपको मैं बता दूं, शुरू से कोई नहीं सीख के आता, ठीक है, माँ के पेट में से कोई नहीं सीख कर आता, सीखना उसको खुद ही पड़ता है। जब आप एक बार वीडियो बनाओगे, 2 बार वीडियो बनाओगे, 3 बार वीडियो बनाओगे, एक बार वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी बार वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, तीसरी बार वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, पर जैसे आप रेगुलर बोलना शुरू कर दोगे, वीडियो डालना शुरू कर देंगे, तो सर आपको मैं बता दूं आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप कैमरे को फेस करना शुरू कर देंगे। आप जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं गारंटी लेता हूँ आप 10 वीडियो डाल देना अपने चैनल पर, 11वीं वीडियो के अंदर आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं बोलना सीख गया हूँ। क्योंकि सर देखिए, डर होता है, एक डर, अगर हम उस डर को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो सर वो डर आपके ऊपर हैवी हो जाएगा और आपको कुछ नहीं कर देगा वो ज़िंदगी में। अगर आप बोलना नहीं सीखोगे तो सर आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप बोलोगे तो सर बहुत कुछ कर पाओगे। मैं जब चैनल में लगा था ना, जॉब लगा था, तो मैं शुरुआत में गया, एक बंदे ने पूछा क्या करता है, मैं ये करता हूँ, तो उसने बोला यार कैमरे के सामने तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है, तू क्या करेगा। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि वो बंदा ही क्या जो एक प्लास्टिक के कैमरे से डरता है, उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो बंदे की जुबान बंद होगी उसकी। क्यों? मैंने उसको बताया कि 1.5 साल से मेरा काम यही है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाओ जिसने आना है। सर डरने की जरूरत नहीं यार, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ ना कोई, ना कोई आजू ना कोई बाजू, सिर्फ मैं हूँ। अरे यार मैं अपने आप से ही शर्माता हूँ बोलने के लिए, कैमरे के आगे नहीं बोलूँगा। सर डरो मत, बोलना सीखो, आज की डेट में अगर बोलोगे तभी कुछ कर पाओगे। मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैनल खोल लेते हैं, वो पीछे बोलते हैं वीडियो के, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं वो चैनल है सिक्योर नहीं है, कभी भी बंद कर सकता है यूट्यूब कि आपका जेन्युइन चैनल नहीं लगता, आप वीडियो के पीछे बोलते हो, वीडियो में कुछ और होता है, पीछे कुछ और बोलते हो, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपका फेस वैल्यू बन गया, अगर आपको बोलना आ गया, आपका चैनल ग्रो होगा, कल को आपके साथ लोग फोटो तस्वीरें खिंचवाएंगे, आपको मिलना चाहेंगे, मीटअप होंगे आपके, बहुत कुछ होता है यार यूट्यूब पे। अगर आप अपना चैनल खोलोगे उस पर बिना फेस के वीडियो बनाते जाओगे, बिना फेस के वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको कोई जानेगा ही नहीं। आज टेक्निकल गुरुजी एक जगह आ जाए ना, दिल्ली में फ़ोन कर दें या मैसेज कर दें, एक वीडियो डाल दें कि इस तारीख को इतने बजे मैं इंडिया गेट पे आ रहा हूं, तो सर वहां हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे। माई स्मार्ट स्पोर्ट चैनल आप जानते होंगे धर्मेंद्र सर को, वो भी एक वीडियो डाल दें तो सर वहाँ भी हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो सर अगर आप अपना फेस नहीं दिखाओगे तो सर आपको कौन मिलेगा, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं, आपका किसी ने कभी फेस ही नहीं देखा वीडियो में, ठीक है। तो सर अपने अंदर का ज़मीर जगाओ, जोश
जुनून अपना दिखाओ लोगों को, निकालो उसको बाहर, कब तक अपना टैलेंट अंदर रखोगे, दूसरों को दिखाओगे तो कामयाब जरूर हो पाओगे। डरना किससे है यार, हम किसी की चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बोलना सीख रहे हैं यार। अगर आप अपना जमीर जगा लिया, आपने बोलना सीख लिया, कैमरे को फेस करना सीख लिया, तो आप जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाओगे। चार बंदे ही बोलते हैं कि हाँ यार बंदा बोल सकता है, 10 लोगों को बैठा दो, 20 लोगों के बीच बैठा दो, 100 लोगों के बीच बैठा दो, ये बंदा बोल पाएगा, कैमरे के आगे बोल पाएगा। आपकी एक बहुत अच्छी लोगों के सामने फेस वैल्यू हो जाती है, आपको लोग इज्जत करना शुरू कर देंगे जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया। जोश होना चाहिए सर, जुनून होना चाहिए, अगर आप में जुनून होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कैमरे के सामने आना जरूर जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि सर मैं भी पहले डरता था और आज आप सभी के सामने बोलता हूँ, आपको सिखाता हूँ, जो जो भी मेरे पास आता है मैं आपको सिखाता रहता हूँ। मुझे ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी समझी लगी क्योंकि सर देखिए बहुत सारी वीडियो देखी मैं, वहाँ लोगों को बोलना नहीं आता, वो अपना फेस नहीं दिखाते, वीडियो में बोलते रहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर करके। तो सर ऐसा नहीं करना आपने, अगर आप अपना फेस दिखाओगे लोग आपको पहचानेंगे, लोग कल को आप बाजार में जाओगे, अपनी फैमिली के साथ जाओगे, वाइफ के साथ जाएंगे तो लोग आएंगे, यार सर आप वही हो यूट्यूब चैनल वाले जिसको मैं आपको वीडियो देखता हूँ आपकी, सर प्लीज़ फ़ोटो खिंचवाए फ़ोटो खिंचवाए, तो उस समय आपको गर्व महसूस होगा, आपको नहीं गर्व महसूस होगा सर, आप छोड़ो आपको होएगा नहीं पता नहीं, पर आपकी फैमिली को गर्व महसूस जरूर होगा आपके ऊपर कि यार हमारे बेटा, हमारा बेटा ऐसा कुछ कर रहा है, आपकी वाइफ बोलेगी मेरा पति कुछ ऐसा कर रहा है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यार, ठीक है। तो सर कैमरा कुछ भी नहीं यार, एक प्लास्टिक है ये, अगर यार हम इससे डरते रहे तो हम बंदे का क्या फ़ायदा, इस धरती पे आए का क्या फ़ायदा, अगर हम अपनी वीडियो नहीं बना सकते, कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में, तो सर क्या करोगे, फैमिली को कैसे संभालोगे, अगर एक प्लास्टिक की चीज़ से आप डरते हो, कैमरे से डरते हो। YouTube पे ग्रो करना है आपको, फेस दिखाना पड़ेगा, टैलेंट दिखाना पड़ेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी, बोलना सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हो। अगर आपने साल दो साल के लिए चैनल चलाना है YouTube पे, तो आइए बिना फेस दिखाइए वीडियो बनाओ, बनाते जाओ, कभी भी उसको चैनल को बंद कर दिया जाएगा YouTube की तरफ से कि आपका चैनल जेन्युइन नहीं, आप बोलते कुछ हो और बोलता कोई और है, आप वीडियो डालते रहते हो, तो सर कुछ भी हो सकता है YouTube पे। अगर फेस दिखाओगे YouTube को भी लगता है कि ये जेन्युइन चैनल, ये बंदा बोल रहा है, फेस दिखा रहा है, लोगों को सही गाइड कर रहा है, ठीक है। तो सर आपको कभी भी YouTube बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप अपना फेस जरूर जरूर दिखाएं, धमाकेदार बोलना सीखिए, धमाकेदार तरीके से वीडियो बनाएं। अगर आप धमाकेदार तरीके से वीडियो बनाना सीख गए तो सर धमाल मचा दोगे, आपको लोग सुनेंगे, आपका टाइम मांगेंगे, सर यहाँ आइए, मीटिंगें लगाइए, जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये मैं नहीं बोलूँगा कि आप YouTube पे ही काम करोगे इसीलिए बोलना है, नहीं, किसी भी जगह आप काम करते हो सर आपको लोग बुलाएंगे, ये बंदा बोलेगा यार, बोलने का भी पैसा मिलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करें, और साथ एक घंटी आएगी उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी ऐसी वीडियो डालें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करो, और बताओ कौन कौन सा बंदा आज शुरू कर रहा है कैमरे के आने के लिए, तैयार हो चुका है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि हर एक बंदा यार कैमरे को फेस कर पाए, हम बंदे हैं यार, इंसान है, जानवर नहीं, इंसान है, कैमरे से नहीं डरना, जो मर्जी हो जाए।